ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि जिस हिंदी सिनेमा फिल्म ने भारत में सीमित कमाई की उसे चीन ने हाथों हाथ लिया। इस फिल्म ने चीन में भारत से 12 गुना ज्यादा कलेक्शन किया है। सीक्रेट सुपरस्टार भारत में 19 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी। इसने कुल 62 करोड़ रुपए की कमाई की। बाद में सीक्रेट सुपरस्टार 19 जनवरी को चीन में रिलीज हुई थी। वहां दर्शकों ने इसे इतना पसंद किया कि भारत से 12 गुना ज्यादा कमाई कर डाली। इसने कुल 745 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म ने चीन में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए आमिर खान 21 फरवरी को अपनी टीम के लिए पार्टी दे रहे हैं। रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया कि अभी तक भारत की सिर्फ 4 फिल्में ही इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाई हैं। ये हैं दंगल 2016, बाहुबली 2 2017, पीके 2014 और सीक्रेट सुपरस्टार। 4 में से 3 फिल्में आमिर खान और 1 साउथ के एक्टर प्रभास की हैं। हाल ही में आमिर ने कहा कि वे चीन एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। आमिर ने फिल्मों में चीन के साथ करार की इच्छा जताते हुए एक इंटरव्यू में कहा, चीन में कई टैलेंटेड अभिनेता हैं और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। चीनी और इंडियन टैलेंट्स को मिलाकर एक प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहिए। यकीनन ही ये प्रोजेक्ट शानदार रहेगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।